चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि बर्च रिडक्टर होता क्या है। बर्च रिडक्टर होता है सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम और लिक्विड NH3 अमोनिया क्या होता है? बर्च रिडक्शन कैटेलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन कैटेलिस्ट, RC ट्रिपल बॉन्ड RC H2 और यहां पर लेते हैं सोडियम लिक्विड NH3। तो ये वाला जो कैटेलिस्ट है ये करवाता है ट्रांस एडिशन। कैसा करवाएगा ट्रांस? एक एच को इस साइड जोड़ेगा और एक एच को इस साइड, एक एच को इस साइड जोड़ेगा और एक एच को इस साइड। तो ये बन जाएगा RH। आप दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट जोड़ रहा, एक को नीचे और एक को ऊपर। तो ये कौन सी एल्किन बन रही है? ट्रांस HCH सोडियम और लिक्विड अमोनिया NH3। तो यहां पर क्या बन जाएगा? एल्काइन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गई एल्किन और नाम क्या है इसका? इथिन। दो कार्बन है ना, और CH2 ट्रिपल बॉन्ड H। यदि यहां पर अपन लेते हैं सोडियम और लिक्विड NH3, तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCH2 CH डबल बॉन्ड CH। क्या बन रही है एल्किन? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन। सोडियम और लिक्विड NH3। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है? 1, 2, 3। तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। सोडियम लिक्विड NH3। तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। तो नाम क्या होगा इसका? ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? सेकंड। तो इसमें आगे 2 लगा दो, 2 ब्यूटीन।